प्रिया। हाय अंजलि। आई एम गुड, हाउ आर यू? फाइन। तो कैसा है तुम्हारा जय, और हनीमून ट्रिप कैसा था तुम्हारा? अरे यार वो बहुत बिजी है ना, इसलिए हम नेक्स्ट मंथ जाएंगे। हाँ हाँ बहुत बिजी है, इतना काम रहता है एक्सपोर्ट कंपनी में। हाँ हमें लगता था एक्सपोर्ट कंपनी में कम काम होता है, लेकिन हम गलत सोचते थे। मेरा जय तो हमेशा इतना बिजी रहता है कि कभी कभी मैं उसकी शक्ल भी भूल जाती हूँ। हमारी लाइफ में ऐसा होता है, पर तू खुश है यही सबसे बड़ी बात है। ही इज अ फैंटास्टिक गाय, लेकिन उसकी एक ही प्रॉब्लम है, जब वो काम से वापस आता है तो टीवी रिमोट के बटन्स दबा दबा के बस चैनल चेंज करता रहता है। पर ऐसा क्यों करता है? वो पागल है ना, अपनी बीवी को देखने के बजाय घर आने के बाद सिर्फ न्यूज चैनल्स देखता रहता है। बट आई एम रियली लविंग दिस प्रिया। ये वाइफ का रोल, जय के लिए खाना बनाना, उसके कपड़े धोना, आयन करना और कभी कभी उससे फाइट करना। आई एम हैप्पी फॉर यू, बट ड्रेस वॉश करना है, कुक करना है, इसलिए घर मत बैठ जाना। कम बैक टू वर्क, सीरियसली तुम्हारे डैड के हॉस्पिटल में वी ऑल मिस यू। इज दिस आयशा? ये आयशा नहीं है, दिस इज लैला, राणा की गर्लफ्रेंड। ओह लैला, यहाँ पर एक क्लब है चाचा क्लब, उसमें डांस करती है और इसने एक फिल्म में आइटम डांस भी किया है, लेकिन फिल्मों में इसके बाद बनी नहीं। लैला हैड नो फ्लक एंड क्लिक। ओह आई एम सॉरी सर, लक एंड क्लिक्स। वैसे लैला कई लैंग्वेजेस जानती है सर। ओ, हमारी भाषा भी जानती है। लड़की कैसी है सर? अगर इसके साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी कर ली तो अपनी वाइफ को पता नहीं चलने वाला यार। उठा ले क्या सर? ए, क्यों? नहीं सर, मेरा मतलब इसे उठाकर कस्टडी में डाल दें क्या इंटरोगेशन के लिए? अरे बेवकूफ, हम ऐसे ही किसी को उठाकर अंदर नहीं डाल सकते पूछताछ करने के लिए। सर, उस टेरर प्लॉट और हमारे बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लू है ये लड़की लैला। देखो जय, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वी मस्ट हैंडल इट विथ अटमोस्ट केयर, समझ गया ना? सर, हमने उस लड़की को पकड़ लिया और उसके बाद कहीं पता चला कि उस लड़की का टेरर प्लॉट से कोई संबंध नहीं है, तो ये बात मीडिया और पब्लिक में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देगी। जय सर। यस फॉर यू। ये क्या है? लंच बॉक्स। ये आपके घर से एक आदमी के हाथों आपकी वाइफ ने भिजवाया है। ओके सर, प्लीज। आज से जंक फूड को बाय बाय, अब से मैं रोज ये लंच बॉक्स भेजा करूंगी विद लॉट्स ऑफ लव। क्यों जय, शादी के बाद सारे लोग मोटे हो जाते हैं, पर बैचलर्स के साथ ऐसा नहीं है, जानते हो क्यों? सर फॉरगेट अंजलि, फोकस ऑन लैला। एक्सक्यूज मी। यस, कौन है? लैला, फॉर यू। वाओ, मेरा फूल मुझी को लौटा रहे हो, यू स्मार्ट। विक्टर ने मुझे बताया था कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं और आप बहुत सारी भाषाएं जानती हैं, ऐसा बोला था विक्टर ने आपके बारे में। You're Victor's friend? Victor's friend? No, not at all. वो मेरा दोस्त नहीं है, भाई जैसा है। वो भाई है मेरा। अब ये लीजिए। Thanks. जय मोहन। Yes, मेरा नाम। Deccan Exports? हाँ, my company's name. We are into exports. लेकिन अभी फिल्म प्रोडक्शन। We got a studio. Really? Yes, really. हिंदी तमिल bilingual फिल्म, देविका, फिल्म का नाम देविका, अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी कैरेक्टर देविका, बट सो बैड वर्ड्स, सेक्स स्टॉर्म, एक्सपोज, यू नो लॉट ऑफ। ये बताइए देविका का टाइटल रोल कौन कर रहा है? हम ढूंढ रहे थे, लेकिन अब तो लैला आपसे मिलने के बाद अब तो hey, विक्टर ने मेरे बारे में कुछ बताया नहीं तुम्हें? You know Victor, वो वैसा ही है, full of secrets, surprises. But you know, आप वाकई, you are so beautiful. You must act in films. आपको जरूर एक्टिंग करनी चाहिए. Thank you. Well, this is my address. Okay. Shubha Lavender. Yeah. वहां डिस्कस करेंगे मूवी के बारे में। थैंक्स लैला, सी यू।
नाइस। हेलो, डेकन एक्सपोर्ट्स के ऑफिस में किसी के पास एक भी पेन नहीं है क्या जो ये लिपस्टिक से लिखना पड़ा? बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा होता है कि जरूरत के टाइम पर पेन भी नहीं मिलता और इजीली लिपस्टिक मिल जाती है। सब भगवान की मर्जी है। को? हाँ? किसका एड्रेस है ये? वो ले वो हमारे क्लाइंट का है, शिपिंग लाइन का क्लाइंट है। ओहो, तो तुम्हारे क्लाइंट ने ये हार्ट क्यों बनाया है? अरे ये तो बहुत सिंपल है। हो सकता है कि वो क्लाइंट हार्ट का पेशेंट हो। What? अरे मैंने कहा कि हो सकता है। अब उस क्लाइंट से पूछकर बताता हूँ कि वो हार्ट पेशेंट है या नहीं। हेलो, गुड इवनिंग, डेकन एक्सपोर्ट्स। आई एम अंजलि स्पीकिंग। कैन आई टॉक टू मिस्टर जय प्लीज, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रीच हिम ऑन सेल। इट सीम्स जय सर लेफ्ट अर्ली टुडे। ओह ओके, थैंक यू जय। आज शाम को आने में तुम्हें देर क्यों हो गई? आज शाम को कहाँ गए थे बताओ? जू में गया था। जू? ओह गॉड, सच बताओ ना जय। मैंने आज ऑफिस में फोन किया था और तुम्हारी रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि तुम जल्दी निकल गए। दरअसल वो औरत पागल है। डेक्कन एक्सपोर्ट्स में पागलों को नौकरी पे रखते हैं क्या? अरे सब वहाँ पर पागल नहीं है, सिर्फ हम लोग पागल हैं और हमारी शादी होने के बाद वो भी पागल हो गई है। Are you having an affair? Yes, सही कहा। किससे? Tell me, who is she? बताऊं क्या? उस लड़की का नाम है अंजलि। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा कि लेडी सर्वेंट है। कम इन। श्योर, आप बैठिए, एक मिनट मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है। क्या लैला है? Hey, बहुत टाइम लगेगा क्या आपकी स्टोरी नरेशन में? या, इट डिपेंड्स। यस। इतनी हसीन खूबसूरत लड़की आपके सामने खड़ी है तो आप शांत कैसे रह सकते हैं? आप तो सब जानती है लैला, आपके जैसी सुंदर लड़की को देखकर कोई भी मर्द शांत रहेगा क्या? एक मर्द को आप कितनी तकलीफ दे रही हैं ये आप नहीं जानती हैं। सच कह रहे हैं। बहुत भूख लगी है। I'm hungry. I'm married. Married है तो क्या? भूख नहीं लगेगी? Anyways, tell me about Devika's character. अभी बताई तो कहानी बदल जाएगी। ऐ। वो तो मेरी सर्वेंट है। अगर दरवाजा नहीं भी खोलूंगी तो वो बाद में आ जाएगी। How sad. And what about the story? Story kal sunao kya? Then tomorrow lunch. Okay. When you decide. Menu. Main bataungi. Okay. Then. Okay, bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Oh my god. जय, आखिर कर क्या रही है तुम्हारी लैला? सर, काट कर खा जाती मुझे, बीपी बढ़ा दिया उसने मेरा। ए, हुआ क्या ये तो बताओ। कुछ होने से पहले अच्छा हुआ कि सर्वेंट आ गया और मैं बच गया, वरना मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। ऐसी सिचुएशन में तुमने शादी क्यों? अब इस बात का तुम्हें अफसोस हो रहा होगा। मैं अफसोस नहीं करता। नहीं नहीं, अभी नहीं तो फ्यूचर में होगा।
शादी करके ये मैं कहां फंस गया? हाँ, बाद में देखा जाएगा जय, रास्ते में हम लोग कहीं कुछ खा लेंगे। हाँ, खा लेंगे।